हाय दोस्तों, मैं मोहम्मद सुहेल मलिक एडवोकेट दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और ये वीडियो मैं मुख्तसर रिकॉर्ड करूँगा, ज़्यादातर हाईलाइट नहीं करूँगा कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि एब्सकॉन्डिंग के ताल्लुक से अगर एम्प्लॉयर आपको एब्सकॉन्डिंग कर देता है तो उससे आप कैसे बाहर आए। तो नॉर्मली ये होता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई जब के रिलेशन में कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस जब चलता है तो कोई अख्तलाफात हो गए कौन से भी बात को लेकर किसी भी वजह से, और एम्प्लॉई वर्कर काम पर नहीं जा रहा है या टच में है, और उसके बाद में एम्प्लॉयर आपको सताने के लिए या उसको भी डर है कि आप नहीं और कोई जॉब कर रहे होगे या कोई और काम में मुलविस जो इलीगल हो सकता है मुलविस हो गए और आप 7 दिन से ज़्यादा हो गया, आप कंपनी वापस नहीं जा रहे हैं कंटिन्यूसली, 7 डेज कंप्लीट हो चुके हैं आपके, तब एम्प्लॉय हक है कि वो आपके ख़िलाफ़ में एब्सकॉन्डिंग बैन लगाए। एब्सकॉन्डिंग का मतलब आप फरार हैं कंपनी से, 7 दिन के ऊपर हो गया आप नहीं आए, तब एम्प्लॉयर का हक बनता है आपके ऊपर कि एब्सकॉन्डिंग बैन लगाए। तो ये लीगली अलाउड है, लेकिन कुछ केसेस के अंदर ऐसा होता है कि सताने के लिए हालत ऐसे बन जाते हैं मजबूरन एम्प्लॉयर को आपके ख़िलाफ़ में लगाना पड़ता है। हो सकता आप उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो ना कर रहे हो और आपकी बात उनको समझ में नहीं आ रही हो, अख्तलाफात हो चुका है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है आपके आपके एम्प्लॉयर के बीच में, तब आपकी लाइलमी है कि आप कंपनी छोड़ दी, आप घर में बैठ गए या कोई और वजह से आपने एम्प्लॉयर को मनवाना चाह रहे या कंपनी छोड़ना चाह रहे। 7 दिन गुजर गए, 7 दिन जैसा गुजर गए उसको अख्तियार थे आपके एम्प्लॉयर को कि आपके खिलाफ में एब्सकॉन्ड कर दे, आपको फरार आपको डिक्लेयर कर दें। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर किसी भी बात को कौन सी भी बात को लेकर आपके अरबाब के साथ में झगड़ा होता है अख्तलाफात होता है तो आप बेटर ऑप्शन है आपके लिए बैठ के बातचीत कर लें, किसी और के ज़रिए बातचीत कर ली विद इन 7 डेज। घर में 1 दिन 2 दिन ठीक है अगर आप बैठे हुए हैं, और इसका ये मतलब नहीं आप 7 डेज क्रॉस कर दें, क्योंकि उसे भी एक डर रहेगा कि शायद कोई इलीगल काम में मुलविस ना हो या फरार हो गए और कोई काम इकदाम उठाए कि जिससे उसकी कंपनी को नुकसान हो, तो वो एब्सकॉन्डिंग लगा देगा आपके ऊपर। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये पहले ये हालत आने मत दीजिए। दूसरी चीज़, कुछ एम्प्लॉयर्स आपको सताने के लिए, हालांकि उनको मालूम है कि आप काम पर आ रहे हो कंटिन्यूसली या नहीं आ रहे हो और कहां पर हो और रेगुलर टच में भी है आप, उसके बावजूद भी वो लोग सताने के लिए, हर कोई एम्प्लॉयर में नहीं है, कोई हालत ऐसे पैदा हो गई उनके लिए मैं इशारा कर रहा हूँ, तब एम्प्लॉयर अगर आपके ख़िलाफ़ में लगा देते हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ऑफिस डायरेक्ट जाकर आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, आपकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं कि आप क्या चाह रहे हैं। अगर उनके ज़रिए आपको मालूम हुआ कि वो लोग आपको तरमीम कर चुके हैं, एब्सकॉन्ड कर चुके हैं, तब आप वहाँ पर बताइए, आपके पास कोई सबूत होने चाहिए कि आप वहाँ पर काम कर रहे हो, या अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट आप टच में हो उनको उनको लाइक आप ईमेल के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए या कोई और सोशल नेटवर्किंग साइट के ज़रिए आपकी उनसे या उन कंपनी के कोई एक मेंबर के साथ में आपकी बातचीत हो रही है, नेगोशिएशन की, आपकी जो भी डिफरेंसेस है दूर करने की अगर बातचीत हो रही है, या फ़ोन के ज़रिए या कोई वॉइस रिकॉर्डिंग है, ये काफ़ी है आप कि आप कोशिश में लगे हुए, तो ये सबूत चाहिए। अगर जब आपके पास मौजूद है आप जा सकते हैं डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ऑफिस या तहसील, मेरे हिसाब से आप तहसील चले गए आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि वो लोग एक्सपीरियंस्ड है, वो लोग आपको प्रॉपर गाइड करेंगे और आपको सारा आपका लेबर कार्ड नंबर या पासपोर्ट नंबर के ज़रिए आपकी हिस्ट्री निकल जाएगी, वहाँ पर लेबर में भी ऐसा ही होता है। तो आप बताइए कि आप एब्सकॉन्डिंग नहीं थे, आपके पास फलाना सबूत है, तो वो लोग एक कंप्लेंट दर्ज कर देंगे और आपको साथ साथ पूछेंगे क्या चाह रहे हैं आप, जैसा कि आपकी कोई सैलरी पेंडिंग है,
या आप कैंसिलेशन चाह रहे हैं, या और क्या वजह हो सकती है। अगर आप प्रोबेशन पीरियड के अंदर है, कैंसिलेशन चाह रहे हैं, वो लोग बता देंगे आपको कि 1 साल का बैन आएगा। अगर आप प्रोबेशन पीरियड के बाहर है, ठीक है, तो आपको बता देंगे कि उसके और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और आप 1 महीने की नोटिस दिए हुए हैं उनको रिज़ाइन करने के लिए, प्रोबेशन पीरियड गुजर गया, 1 महीने की नोटिस दिए हुए हैं आप, और 1 महीना गुजरने के बाद या 3 महीने गुजरने के बाद, क्योंकि यहाँ पे आप रिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तो आपको 1 महीने की नोटिस मैक्सिमम 3 महीने तक वो अप्लीकेबल रहेगी। वो डिपेंड करता है, आप 1 महीने की नोटिस दी आपका, और आप कैंसिल नहीं कर रहा है और आप घर में बैठे हुए और नोटिस को छुपा कर और वो एक आपके खिलाफ में लगा दिया, आप इस नोटिस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सबमिट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट। तब फिर आप तहसील जाइए या लेबर जाइए, कंप्लेन लॉन्च करिए आपकी। जैसा आप कंप्लेन दर्ज करोगे और वो एक मैसेज आपके अरबाब को जाएगा और आपके मोबाइल पर भी आ जाएगा कंप्लेन नंबर रेफरेंस के साथ में। फिर उसके बाद 2 दिन तक या मैक्सिमम 3 या 4 दिन तक आप इंतज़ार कर सकते हो। उस असना में अरबाब को भी आपको मालूम हो जाएगा कि आपने दर्ज की है शिकायत उनके खिलाफ में, तो हो सकता वो आपको बुलाए या आप किसी को आपके पास भेजे सेटलमेंट करने के लिए। तो ऐसी सूरत में आप बात कर सकते हैं उनसे, घबराने की ज़रूरत नहीं है उस सूरत में कि कुछ हो जाएगा, पुलिस पकड़ेगी या आपको इमिग्रेशन के ज़रिए डिपोर्ट किया जाएगा, नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी एक शिकायत दर्ज करी कानूनी तौर पर, तो इंशाल्लाह आपको कुछ नहीं होगा उसके। बात कर लीजिए, अगर सेटलमेंट होता है ठीक है, अगर किसी वजह से सेटलमेंट नहीं हो सकता, नहीं हो रहा पा रहा है, हालत ऐसे बन चुके हैं कि एक दूसरे से कोऑर्डिनेट आप लोगों को रब्ता करना मुश्किल हो रहा है, तब आप ये काम करिए, 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन के बाद में आप वही कंप्लेंट नंबर जो है ना आपके पास आएगा, लेबर कॉल करिए, आपको टोल फ्री नंबर रहेगा, आप कॉल करिए उसके ऊपर। करने के बाद में आपका बताइए कि आपने क्या हुआ था, उसके बाद में वो लोग आपकी सुनकर आपको एक डेट देंगे लेबर ऑफिस में जाने के लिए। साथ ही साथ आपके अरबाब को भी कहेंगे कि आने के लिए डेट देंगे, आप लेबर ऑफिस जाइए, फिर बाद में वो लोग आपका जो भी डिस्प्यूट है, झगड़ा है, अख्तलाफात है, वो बातचीत करके आप वो कोशिश करेंगे कि दूर करने की। फिर उसके बाद में अगर आप कैंसिलेशन चाह रहे हैं, तो प्रोबेशन पीरियड के अंदर है, तो वो बताएंगे आपको 1 साल का बैन लगेगा। अब आउट, अगर आप प्रोबेशन पीरियड हो चुका है, आप प्रॉपर नोटिस दे चुके हैं, तो आपको और आप राज़ी हैं कि 45 डेज की सैलरी देने के लिए, तब आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई उसके सामना करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो तरमीम जो अपस्कॉन्डिंग लगा है वो भी हट जाएगा, आपका प्रॉपर कैंसिलेशन भी होगा और आप पे कर दिए, आप लीगली आप जो है सो आप वो हो जाएगा, आपके ऊपर बैन भी नहीं आएगा। तो ये एक अहम मसला है, बहुत कंटिन्यूसली मुझे बहुत पूछा जा रहा है, तो मैं छोटी सी एक शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को समझाने के लिए मैं बनाया हूँ। और मज़ीद कोई तफसीलात और क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट्स करिए नीचे, या मुझे व्हाट्सअप करिए या ईमेल करिए, इंशाल्लाह मैं आपको वो करूँगा। और तफसील में इस अब्सकॉन्डिंग के ताल्लुक से वीडियो, और कैंसलेशन, रेजिग्नेशन, टर्मिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट, अनलिमिटेड, लिमिटेड, आहिस्ता आहिस्ता मैं बना के आप लोगों तक पहुँचाने की, आपके इल्म में इजाफा करने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।